ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम करेंगे रिकॉर्डिंग 28 तारीख की, शिवरात्रि के एक दिन रात पहले की, और फिर 1 तारीख की, शिवरात्रि के दिन की 2 दिन, और फिर आज की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो 28 तारीख में परमपिता परमात्मा ने कहा क्या था, वो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आप शेयर करते हैं। बाबा कहते हैं वरदान में, टाइटल में, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता, या तो हम अपने बोल से किसी को सुख दे सकते हैं, या तो अपने बोल से किसी को दुख दे सकते हैं। तो उसमें हमारा जमा होता है कर्मों के खाते में, पॉजिटिव या नेगेटिव। बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। विस्तार में चलते हैं। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। जो हम मुख से बोलते हैं उससे भाव और भावना, कि हम किस भाव से कह रहे हैं, या तो हम ईर्ष्या भाव से, क्रोध भाव से, या फिर हम संपूर्ण पवित्र भाव से, किसी के कल्याण भाव से कह रहे हैं, और हमारी भावना जो है वो निर्मल है, और हमारी भावना में सबके लिए अच्छाई छुपी हुई है, तो ये हमारे बोल से पता चलता है। हाँ, ज़रूरी है कि आत्मिक भाव भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, मन में कुछ चल रहा है, मुख में कुछ चल रहा है, तो उसमें भावना सामने वाले को पता चल जाती है। फिर बाबा कहते हैं अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है, तो उस बोल में जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज्यादा होता है। तो अगर हम अपने ही बोल में अगर हमने ईर्ष्या रखी हुई किसी के प्रति, या हमने किसी के प्रति घृणा रखी हुई है, तो आत्मा को जो भी हमारे बोल सुनती है उसको हसद, मतलब कंपटीशन रखा हुआ अगर हमने, कि हम उसे इस तरीके से बात कर रहे हैं कि उसको हम नीचा दिखा रहे हैं, और ईर्ष्या तो आप जानते ही हैं, तो ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, जिससे कि किसी को दुख पहुंचे, तो उस मामले में हमारा जो खाता होता है, क्योंकि दूसरी जो आत्मा है उसको हमने नीचे दिखाया, उसको दुखी करा, उसको ईर्ष्यावृत करा, हमने उसको फंसाया उस जाल में, तो आत्मा को हमने दुख दिया, उसका मन चंचल हुआ, तो उस कारण से भी हमारे ऊपर पाप का, बोल से पाप का खाता जमा हुआ। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारा मन भारी होता जाता है, और फिर मेडिटेशन करना भी मुश्किल होता है। फिर बाबा कहते हैं उसकी परसेंटेज में समाई हुई है, कि हम किस प्रकार से, अगर हम ईर्ष्या है, हसद मतलब कंपटीशन, या हमने घृणा की भावना किसी भी परसेंटेज में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज़्यादा होता है। क्या गवाते हैं? सुख शांति अपनी खुद की पहले गवाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या किसी को दे रहे हैं तो अपने अंदर ही अपवित्र संकल्प क्रिएट किए, तो अपने अंदर ही क्या होगी, अशांति होगी, खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है, वेस्ट थॉट्स, विकर्म वाले थॉट्स, और जो वेस्ट थॉट्स, विकर्म वाले थॉट्स किसी दिन तो मुख से निकलते ही हैं, तो वेस्ट कर्म, व्यर्थ बोल के रूप में आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दिन भर आप किस तरीके से, किस प्रकार से आप बोलते हो। हाँ, आजकल की दुनिया में तो गाली करना भी आज बहुत ही कॉमन हो चुका है, कि बात बात में हम गाली करते हैं, गाली बोलते हैं किसी के प्रति, हम गाली करते हैं, या वो सामने ना भी हो तब भी हम उसके प्रति कुछ अपशब्द कह देते हैं। परमात्मा कहते हैं वो भी व्यर्थ में और पाप कर्मों में चला जाता है, जिस कारण से आत्मा भारी होती जाती है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर किसी को गाली दे रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आप जमा नहीं कर रहे हैं, आप लीकेज कर रहे हैं, आप गवा रहे हैं। तो आज का ये श्री वरदान, ऐसी ऐसी बहुत अच्छी बातें हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी इस गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जाकर के आप और गहरी गहरी बातें सीख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अब हम करेंगे, 29th डे तो नहीं है हमारा, 1st तारीख, पहली तारीख, 1 मार्च, शिवरात्रि के दिन का ईश्वर वरदान क्या चीज़ है, वो आप सुनेंगे नेक्स्ट।